अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 अक्टूबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज और आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बात करेंगे डैट कॉलेज की कटऑफ क्या जा सकती है इस बार। जी हाँ, देखिए इस बार आवेदन उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है जितने कि लास्ट ईयर आए थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह है आवेदन लेट से होना। ठीक है, अगर पीएनपी लापरवाही करेगी तो भैया प्राइवेट कॉलेज का नुकसान होना तय है। ठीक है, और एक हिसाब से देखा जाए इस साल इतना ज़्यादा डिले हो चुका है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने या तो पीजी में चले गए या तो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया। जहाँ पर एडमिशन होने की गुंजाइश नहीं थी, अगर इस साल एडमिशन होता है तो भी बड़ी बात है। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स देखिए, क्या ग्रेजुएशन में परसेंटेज की बात देता खत्म हो गई? अभी तक तो नहीं हुई है। 45% चाहिए आरक्षित वर्ग में, 50% चाहिए जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित में। लेकिन अगर 12वीं पास पर मौका मिलेगा आपको तो फिर ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ग्रेजुएशन में आपके 30% हो या आपने ग्रेजुएशन किया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी तब। अगला कमेंट देखते हैं, सर प्लीज बताइए सर कैसे चेक करें कि बीटीसी का फॉर्म सही से भरा गया है? देखिए जो लास्ट में आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर रखें, एक बार उसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिला लीजिएगा कि फॉर्म आपका सही सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके होते हैं नंबर, मार्किंग, ठीक है, आपके हाई स्कूल के, इंटर के, ग्रेजुएशन के, तीनों के आप परसेंटेज देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात और, अगर गलती से आपके परसेंटेज कम पड़ गए, ठीक है, ज्यादा नहीं कम हुआ है, तो भी कोई दिक्कत आपके लिए नहीं रहने वाली। चलिए अगला कमेंट देखते हैं, सब मिलके पागल बना रहे, सीधी बात कोई नहीं बता रहा कि कितना पूर्णांक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का ये टीचर कर क्या रहे हैं, ये सब मुद्दा यूनिवर्सिटी से पूछकर क्लियर वीडियो बनाओ, लेकिन नहीं, यहाँ तो लेक्चर दे रहे हैं सबके सब। देखिए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दें, अगर आप लोग का रिजल्ट सीजीपीए में है या एसजीपीए में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किसी भी डायट कॉलेज से संपर्क करिए। ठीक है, आपके घर से अगर कोई डायट कॉलेज 50 किलोमीटर तक है तो वहाँ जाने में मुश्किल से 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आपको लगता है कि हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नंबर कम है, तो आप फिर प्राइवेट कॉलेज के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई उन्हीं को करना रहता है। देखिए मेन क्या है कि आपके परसेंटेज में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 73% आ रहा है, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, इसमें नहीं गड़बड़ी होना चाहिए। तो इसलिए एक बार आप कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, सबका सब क्लियर हो जाएगा। सर जिस कॉलेज से हम डीएलएड करना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम कॉलेज लिस्ट में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? सर प्लीज रिप्लाई। देखिए जब अभी आप लोग काउंसलिंग में आएंगे तब उस कॉलेज का नाम कॉलेज लिस्ट में आएगा, अभी परेशान मत होइए। वैकेंसी आई या ना आए, बट हम तो करेंगे डीएलएड, कोई करे या ना करे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप डीएलएड करेंगे और आपके जो दोस्त हैं वो डीएलएड नहीं करते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे, तो आने वाले टाइम में जब वैकेंसी आएगी तो फिर कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सर जी कैसे चेक करें फॉर्म से इसे भरा गया है, वही हमने जैसा बोला पीडीएफ एक बार आप देख लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डीएलएड की सीटें 2,28,000, आवेदन आए सिर्फ 1,00,000। सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन, अभी आधी सीटें खाली। अभी दोस्त ये सिर्फ फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है, बहुत से बच्चे 2 बार आवेदन क्योंकि कुछ बच्चे 3 बार आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म में गलती होती है तो बच्चे यहाँ पर करेक्शन नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा बच्चे सोचते दोबारा फॉर्म फिल कर दूँ। ठीक है, देखिए 12वीं पास बच्चों को मौका तब मिलेगा जब आप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आते हैं, और यहाँ पर दोस्तों जब मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स आती है जो कि अभी ग्रेजुएशन से हो रहा है, ये जब तक दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन को बदलकर 12वीं या इंटरमीडिएट नहीं किया जाएगा या उसके इक्विवेलेंट नहीं किया जाएगा, तब तक अभी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अगर आपका नाम शो नहीं हो रहा तो आप अदर के साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज का नाम बहुत बड़ा नहीं आ रहा तो शॉर्टकट कर दीजिए। पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें आप सही से सही भरिए। ठीक है, कुछ चीज़ें गलती करेंगे एफिडेविट भी बाद में लगेगा। यहाँ देख सकते हैं एकदम क्लियर है, 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। जहाँ पर आपके आवेदन जुलाई से शुरू हो सकते थे, अगस्त से शुरू हो सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा जब डीले करेंगे तो बच्चों ने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया, उसके बाद अब उनको टेंशन नहीं है डीएलएड करें या ना करें। कुछ बच्चे बीएड में चले गए, तो यही होता है ना कि अगर आप एक बार कहीं एडमिशन ले लेते तो फंस जाते हैं,
जब दोस्तों आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, एक और बात आपके मन में आ रहा होगा, सर जी हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या कोई भी चीज़ आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये वाला आपका कॉलम नहीं आता, तो आप बैंक पासबुक में नंबर जो भी डाल रहे हैं तो उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, वो ज़्यादा दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, फॉर्म फिल कर लीजिए, बाद में जो हमने बोला ना ये वाला पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा, फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हुई है या नहीं हुई। आप यहाँ पर अपने परसेंटेज देख लीजिए, टोटल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके टोटल कितने में से कितना मिल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, आपकी ईमेल आईडी सही हो, आपका मोबाइल नंबर सही हो, ठीक है, सिग्नेचर फोटो सही हो, बस और क्या चाहिए आपको। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर फॉर्म फिल करिए, उम्मीद करेंगे कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही से फिल हो जाए। सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, सरकारी कॉलेज के लिए आपको चाहिए एक अच्छी रैंक, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं तो सरकारी कॉलेज में क्या दिक्कत आती है देखिए, पहली बार जो जिन बच्चों को मौका मिलेगा 1 से लेकर 20 हज़ार तक की रैंक वालों को मौका मिलेगा, मान लीजिए इन्हीं बच्चों ने सारी सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की बुक कर ली तब आपके लिए क्या बचेगा। एक और बात आपको बताना चाहें, कुछ बच्चे 250 नंबर लाएंगे 300 में से, उसके बाद भी ये बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, अब आपके मन में सवाल होगा क्यों। अब मान लीजिए आपके घर से डायट कॉलेज 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना, तो उस हिसाब से सभी बच्चे पैसा कैलकुलेट करते हैं कि आखिर 2 साल में हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, तो सारा कैलकुलेशन होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ें जगह होता है ना, जैसे अगर ट्रेन से अगर आप रोज आ रहे हैं तो उसके लिए भी पास बन जाता है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से सोचिएगा कि आपको क्या लेना है। डायट कॉलेज में आपको टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा, फिलहाल 12वीं पास छात्रों के लिए तो खुशखबरी यही है, 200 नंबर वाले क्या सरकारी कॉलेज ले पाएंगे। देखिए किस्मत की बात है, हो सकता है कि आपके डायट में किस्मत आपकी अच्छी निकल जाए, आपके यहाँ ज़्यादा बच्चे ना आए और आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, हो सकता है आपकी किस्मत खराब भी निकल सकती है, तो सारा मामला किस्मत करेगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो फिर फंसेंगे, जो कि बाद में आपको दिक्कत करेगा। जनरल EWS OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन सभी बच्चों की एक ही कॉलेज में कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है, ये बात आज ही हम आपको क्लियर कर दें। ठीक है, अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप देखेंगे जनरल और EWS में आपको अंतर एकदम क्लियर नजर आएगा, जब सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। बहुत से बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं जिनको EWS के बारे में नहीं पता है आज के दिन भी, ठीक है, तो वो बच्चे EWS नहीं बनवाते हैं, और EWS में होता है क्या है, इन बच्चों के लिए 10% सीटें आरक्षित हो जाती हैं, अगर आपके कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 10 सीट पर सिर्फ EWS के बच्चे आएंगे, ना तो इसमें OBC के बच्चे आ सकते हैं, ना तो SC के आ सकते हैं, ना तो ST के आ सकते हैं, मिलेगा तो सिर्फ EWS को। ठीक है, तो यही आपको फायदा मिलेगा अभी एडमिशन में, तो ग्रेजुएशन की बाध्यता खत्म नहीं की गई है फिलहाल, इसको ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रकार का मतलब होता है ना कि गलत फहमी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्म जल्द से जल्द फिल करेंगे, ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, जितना जल्दी काम हो सके उतना जल्दी अब आपको कर लेना है, क्योंकि 9 अक्टूबर ही लास्ट डेट है, और लास्ट डेट एक्सटेंड होने का चांस अभी कम लग रहा है, क्योंकि वेबसाइट ठीक ठाक वर्क कर रही है। देखिए जब वेबसाइट काम नहीं करती है, दिन भर काम नहीं करती है, तो एक काम होता है कि चलो डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, जब बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है तो फिर क्यों होगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।